नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं विभावरी दीक्षित। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर सरकार ने टॉयलेट बनवाने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में 540 करोड़ रुपए का स्वच्छ शौचालय घोटाला सामने आया है। क्या है ये पूरा घोटाला? क्या पेपर में जिन शौचालयों को बनाना दिखाया गया था वो वाकई में बने भी हैं या नहीं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मध्य प्रदेश बैतूल के कुछ जनजाति लोगों और ग्राम पंचायत की तरफ से एक शिकायत दर्ज की गई। शिकायत की जांच में सामने आया कि स्वच्छ लाभार्थी के रूप में जिन लाभार्थियों का नाम सामने आया था, दरअसल उन्हें पता ही नहीं कि उनके नाम पर शौचालय का निर्माण किया गया है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में उनके घर पर न सिर्फ शौचालय का निर्माण हुआ था बल्कि शौचालय की तस्वीर भी जमा कराई गई थी। जांच में सामने आया कि ये फोटोग्राफ पड़ोसी के शौचालय की है। इस तरह स्थानीय पंचायत की शिकायत सही पाई गई। इस मामले में एक आरोपी से 7 लाख रुपए की रिकवरी के रूप में चुकाने को कहा गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 से 2018 के दौरान राज्यभर में 4.5 लाख शौचालय का निर्माण दिखाया गया था, लेकिन वास्तव में इन शौचालय का निर्माण हुआ ही नहीं था। इन शौचालयों का सिर्फ और सिर्फ कागजों में निर्माण दिखाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार अधिकारियों का मानना है कि 4.5 लाख शौचालय वास्तव में बने ही नहीं थे। सबूत के रूप में जिन शौचालयों की फोटो जमा की गई वो कहीं और के शौचालय थे। आपको बता दें कि जब अधिकारियों को इस बारे में शिकायत की गई तो उन्होंने इन फोटोग्राफ्स को जीपीएस से टैग करने की कोशिश की, लेकिन वो शौचालय तो गायब मिले। एक अधिकारी ने खुद बताया कि पूरे राज्य में ऐसे ही 4.5 लाख शौचालय चिन्हित किए गए थे जिनका जिक्र पेपर पर तो है लेकिन वास्तव में मौजूद नहीं है। पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए ये आंखें खोलने वाला मामला है। अधिकारी ने कहा कि जो टॉयलेट्स बने ही नहीं उनकी लागत करीब 540 करोड़ रुपए है। तो अब सवाल ये है कि ये पैसा आखिर गया कहाँ? खैर, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार इस मामले के खुलासे ने साल 2017 में गुना जिले के उस शौचालय दरवाजा घोटाले की यादें ताजा कर दी, जिसमें 42,000 शौचालयों के दरवाजों को 10 किलोग्राम कम वजन का बनाकर करोड़ों रुपए का घपला किया गया था। अब इस खबर पर आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पे, और इसी तरह के दूसरे वीडियो को देखने के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।